दर्शन कर सकी तो मिसेस करूंगा बड़ी क्यूरियस थी कि हमारी क्वेश्चन मिलता है मतलब ये जानना चाह रही थी कि मैंने इतने साल लगाए शादी करने में तो कौन है जिसने ऋषि का दिल जीत लिया अच्छा हमारी गलत होती रहेगी तुम कहा है उसे तुम मिलाओ आई 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 हमेशा की तरह ना करवा चौथ पे चांद चीफ गेस्ट की तरह लेट आता है आज भी वो लेट ही आएगा क्योंकि आज तो उसका दिन है तो मेरा मतलब है उसकी रात है ऋषि की बीवी का तो पहला करवा चौथ है सोचो उसे कितना इंतजार होगा चांद का वैसे वो है कहाँ जीती रहो पुत्र कितनी सोनी कुड़ी है देख सही सही लेकिन ऋषि ने बहुत अच्छी लड़की चुनी है शुरू करिए कथा सवाल करेंगे फिर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूँ मुझे नहीं रुकना पड़ेगा तो फिर मुझे भी यही रुकना पड़ेगा आई मीन मैं इन ओल्डीज के बीच में बैठ के इनकी ओल्ड वाली स्टोरी नहीं सुन सकती मुझे समझ भी नहीं आती मेरा पहला करवा चौथ का व्रत मैंने ये फास किसी और के लिए बल्कि तुम्हारे लिए रखा है ऋषि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और के बारे में ऐसा सोचूंगी देखो ऋषि तुम भी जानते हो उस दिन अगर राज अंकल नहीं आए होते तो तुम दोनों का डिवोर्स हो जाता और फिर मैं तुम्हारे मैं ओपनली तुम्हारे लिए व्रत रख सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ बट नेवर माइंड आज नहीं तो कल डिवोर्स तो होना ही है और मैं इस व्रत के लिए एक साल वेट नहीं करना चाहती थी ऋषि और तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया ही है कि तुम मुझसे शादी करोगे करोगे ना ऋषि अभी शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी इसीलिए मैंने ये व्रत रखा है तो भगवान जी एक ना एक दिन तुम्हें मुझे जरूर दे देंगे है ना मुझे मतलब व्रत का फल तो मिलना ही चाहिए इसीलिए आज नहीं तो कल तुम मुझे मैं कल में नहीं जीता हाँ अब मैं कल में बिल्कुल नहीं जीता हूँ मैं आज अभी इसी पल में जीता हूँ कल का क्या भरोसा कल किसने देखा है एक वक्त था जब मैं जीता था कल कल मैं किसी के साथ जीता था अब ना ही वो साथ और ना ही कल की वो बात पता क्या मलाइका मुझे ना ये व्रत झूठी कसमें वादे साथ फेरी शादी इन सबसे विश्वास हो गया है तुम्हें मुझे कहो ना कि बड़ा मैं
विश्वास होता है? तो कैसे विश्वास करूं? मुझे तनुजा ने कहा कि उससे मैंने रात रखा है। मतलब कब क्यों कैसे और किससे? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसने मैंने रात रखा मुझे क्यों इसलिए। पता क्या, ये झूठे कस्मे वादे ये रात वगैरह इनसे मन भर सा गया। सासू माँ का आशीर्वाद तो लो। व्रत का फल इससे दुगना मिलेगा। कर लो। आज तो सास और ससुर एक साथ आशीर्वाद देंगे। खुश हो। खुश है पुत्र। सदा सुरक्षित रहे। रब करे तेरा रिश्ता जन्मों जन्मों तक ऐसा ही बना रहे। मैं भी जाकर अपनी सास का आशीर्वाद ले लूं। हाँ। अरे आज पहले पहल मैं छूंगी जी। जाइए आप ले लीजिए पहले आशीर्वाद। अच्छी लड़की से शादी की है। तेरी भी किस्मत अच्छी है।
जबरदस्ती मंडप में बिठाया। कितना तेज, कितनी पोली लड़की है, कितनी प्यारी बच्ची है, ये मेरी बेटी ही नहीं मेरा गुरूर है। क्यों तो आपने देखा नहीं, राज्य ने इस लड़की को इस घर में दिखाया।